नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विषय कनिल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक गेट के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और किस तरह से इसके सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, लाइक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स ये है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, डेल y बाई डेल x, ये हो गया हमारा। इसे किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन यही हमारा एक फंक्शन है, यहाँ पे ये हमें बात को ध्यान में रखनी होगी कि ये जो हमारा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ उसी के टर्म्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी के सारे टर्म्स को हम कांस्टेंट मान के इसे ये डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका किस तरह से होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड प्लस फोर सी, ये हमारा एक फंक्शन है। अब इसे इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा 2x। यहाँ पे देखिए ये सिर्फ x का टर्म है यहाँ पे, मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है, मतलब कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2z प्लस जीरो, तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरह से जो पार्शियल डेरिवेटिव जिन इक्वेशंस में होते हैं उसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमने जान लिया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना किस तरह से सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये दोनों तरीके क्या है और इसे इनके सवाल किस तरह से हल कर सकते हैं और किस तरह से इनके क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जैसा कि ये हमारा प्रश्न है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। यहाँ पे हम देख सकते हैं x, y और z वेरिएबल है और हमारे a एंड b क्या है, a एंड b आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। अब हमें क्या करना है, किसी भी तरह से a और b को इस इक्वेशन में से हटा देना है ताकि हम अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर सकें। तो वो अब हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं आगे उसका क्या तरीका है। उससे पहले मैं आपको कुछ नोटेशंस बता देना चाहता हूँ। उससे पहले हम देख कुछ नोटेशंस देख लेते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में उपयोगी साबित होने वाले हैं। P क्या होता है हमारा, डेल z बाई डेल x। Q होता है डेल z बाई डेल y। R होता है डेल स्क्वायर z बाई डेल x स्क्वायर। S इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z बाई डेल x डेल y। एंड फाइनली T इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z बाई डेल y स्क्वायर। तो हम बहुत जगह ऐसा देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में या फिर आंसर्स में या सॉल्यूशंस में इन टर्म्स का उपयोग ना करके पी क्यू आर एस टी भी लिखा हुआ रह सकता है, वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे आप अगर ये आपको याद है तो आप वहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होंगे, इसलिए ये टू रिमेंबर। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसलिए इसको हम y प्लस बी ज्यों का त्यों बाहर रख लेंगे। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा और ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो इनटू 1, ये क्या आ गया हमारा, डेल z बाई डेल x इक्वल्स टू y प्लस बी, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, यहां पे ये आ गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, हमने यहाँ पे क्या किया था, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, अब हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमारा क्या आएगा, डेल जेड बाई डेल वाई, उसी तरह से ये हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक्स प्लस ए और ये वन हो जाएगा, तो ये वन होगा तो रहने दें, ये हमारा इक्वेशन थ्री आ गया। अब हम देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए इन तीनों इक्वेशंस को, किनको, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए और सोचिए क्या हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके इस इक्वेशन में से ए और बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, वन टू और थ्री, लग रहा है कुछ, z इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, किसी तरह से कुछ भी यूज करके हम यहाँ पे ए और बी को एलिमिनेट करें, तो हाँ यहाँ पे अब हम देखिए किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। अब हम क्या, इक्वेशन वन हमारा क्या था, z इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डेल z बाई डेल x, z इक्वल्स टू डेल z बाई डेल x, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, y प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहां पे डेल z बाई डेल y होगा, यहां पे हो जाएगा डेल z बाई डेल x, तो ये हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया। इसको हम एक और फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डेल z बाई डेल y को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, q, और डेल z बाई डेल x को p लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे z इक्वल्स टू पी क्यू लिख सकते, ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो ये हमने देख लिया बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका जिसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन करेंगे और वहां पे एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्रिएट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा तरीका जो कि है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। पिछले वाले में हमने क्या देखा था कि वहां पे हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट किया था, अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं इस प्रश्न का जो कि है z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, f क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, इस फंक्शन को एलिमिनेट करना है, तो उसका क्या तरीका है देखते हैं, वही तरीका है जो हमने पिछले वाले में किया था। पहले हम क्या करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर तीनों इक्वेशन में कोई समानता देख के या कोई रिलेशन देख के इसमें से हम देखेंगे कि किस तरह से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, ये मान लीजिए इक्वेशन वन है हमारा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, इसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ है एक बार तो एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब इसको चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, और इसका क्या, ये कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, what do we get now, del z by del x equal to f dash x square minus y square into, क्या हो जाएगा, x zero हो जाएगा, इसका differentiation क्या हो जाएगा, minus 2y, तो ये आ गया हमारा equation 3। अब हम equation 1, 2 and 3 को देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको एफ डैश को एलिमिनेट करना है हमें यहाँ पे, ताकि अगर ये एलिमिनेट हो जाए तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा जिसमें कोई भी फंक्शन ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री दोनों में एफ डैश कॉमन है और इसके साथ प्रोडक्ट भी है इस वाले टर्म के साथ,
तो हम एक तरीका तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एफ डैश की वैल्यू निकालें इक्वेशन टू से और इसको इक्वेशन थ्री में रख दें तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, जैसे कि हम इक्वेशन टू को थ्री से अगर डिवाइड कर दें तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो आप जो भी तरीके हैं दोनों में से किसी एक को भी आजमा सकते हैं, आंसर दोनों से बिल्कुल ही सेम आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ वो डिवाइड करने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाई इक्वेशन थ्री, वी गेट डेल जेड बाई हमने यहाँ पे वाई हो गया बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई, माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस वाई डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स डेल जेड बाई डेल वाई। अब इसको एक साइड कर लेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा एक्स डेल जेड बाई डेल वाई प्लस वाई डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स को पी लिख सकते हैं, इसको क्यू लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा क्यू एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया यहाँ पे। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम फॉर्मेट बना सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को दो तरीकों से। अब आगे जो हम देखेंगे, अब तो हमने सीख लिया बनाना, अब हम देखेंगे ऑर्डर और डिग्री क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। अब हम देखते हैं ऑर्डर और डिग्री एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या होते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वही उस इक्वेशन का ऑर्डर कहला जाता है। और डिग्री क्या होती है, जो कि हमारा ऑर्डर होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका जो पावर होता है वो हमारी डिग्री होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी डिग्री का पावर जो है अगर वो फ्रैक्शन में है या फिर निगेटिव पावर है तो उसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन रिमूव करेंगे या तो निगेटिव पावर को रिमूव करेंगे और फाइनली जो हमारी इक्वेशन आएगी उससे हम डिग्री को कैलकुलेट करेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इसके इसके सॉल्यूशन को हम एग्जांपल से देख लेते हैं किस तरह से क्या होता है। ये हमारा एक क्वेश्चन है जैसे कि डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स वाई जेड, ये हमारा एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो डेल जेड बाई डेल एक्स वन टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, डेल जेड बाई डेल वाई ये भी वन टाइम हुआ है। तो ये जो डेरिवेटिव है इसमें हाईएस्ट क्या है, वन है, दोनों की पावर क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है, वन है। तो यहाँ पे हम किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर इक्वल्स टू वन हो जाएगा। और ऑर्डर के बाद अगर हमें डिग्री कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे, जो हमारा ऑर्डर है इसका पावर क्या है, तो इसका पावर क्या है हमारा, वन है, तो यहाँ पे डिग्री भी हमारी वन हो जाएगी। तो ये तो आसान सा सवाल था। एक दूसरा सवाल हम देखते हैं, ये गेट के एग्जाम में पूछा गया ये सवाल और इसको देखते हैं, जो कि बहुत इजी सा है, ऐसा भी कुछ टफ नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं एक बार क्या होता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सवाल क्या है, डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस डेल फाइव बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये टू टाइम्स डिफरेंशिएटेड है, ये भी टू टाइम्स डिफरेंशिएटेड है, ये वन ये वन, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू हो गया। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो हमारा ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू टू। तो जब ऑर्डर आ गया है टू हमारा, तो जो ऑर्डर की जो पावर होती है वो हमारी डिग्री हो जाती है, तो इसकी पावर क्या है, वन है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, डिग्री इक्वल्स टू वन। इसको ऑर्डर टू और ऑर्डर डिग्री वन। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल सा सवाल पूछा गया था ये गेट के एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो ये सवाल था। और इसके बाद अब हम देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और किस तरह से उसे पहचान सकते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पांच वो कौन से गुण हैं जिनके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दिया गया हमारा इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो सबसे पहला क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ जेड शुड बी वन। जेड क्या है हमारे यहाँ, लाइक हमारा जेड इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल एक्स समथिंग ऐसा रहेगा। तो जेड जो हमारा ये है, ये हमारा जेड हो गया। यहाँ पे डिग्री शुड बी वन, डिग्री आप जानते हो जैसे कि ऑर्डर की जो पावर है वो वन होनी चाहिए। और ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव हैज डिग्री वन, और इसमें जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हो, डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल यू समथिंग लाइक दिस, सब का पावर जो क्या है हमेशा वन होना चाहिए लीनियर होने के लिए। चौथा क्या है, नो प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड पी डी, ये क्या हो जाएगा लाइक जेड इंटू डेल y by del x, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और नो प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है del y by del x इंटू डेल एफ बाई डेल यू जो भी है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये पांच कैरेक्टरिस्टिक है जिनमें जो अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं सारे पॉइंट्स, तो वो इक्वेशन क्या है, लीनियर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर इनमें से कोई सा भी एक भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो हमारा लीनियर ना हो जाएगा बल्कि वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो इसको हम सवालों से समझते हैं कि ये कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, पहला सवाल क्या है, एक्स डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर वाई डेल स्क्वायर जेड वाई डेल एक्स डेल वाई प्लस ई टू द पावर एक्स डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर प्लस 5x del z by del x equals to x square plus y square। ये हमारा एक partial differential equation दिया हुआ है। अब हम इसमें चेक करते हैं ये linear है या non linear है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं exponent of z should be 1। z हमारा क्या है, यहाँ पे जो z है z इसकी सभी जगह पे exponent 1 है या नहीं है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं z का exponent हर जगह पे 1 है दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है, सेटिस्फाई हो गया। डिग्री शुड बी वन, डिग्री क्या होती है कि ऑर्डर होता है उसका जो एक्सपोनेंट है वो हमारी डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर है इसका 2। तो डिग्री क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है ये 1। तो डिग्री क्या है, 1। इस इक्वेशन की डिग्री 1 है और सभी पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री भी 1 होनी चाहिए। तो ये हमारा ये डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो तीसरा पॉइंट भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। नो प्रोडक्ट ऑफ z एंड pd, z और पार्शियल डेरिवेटिव का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव और z का कोई सा भी प्रोडक्ट इसमें ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है ना यहाँ है ना यहाँ ना यहाँ, कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। और नो प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ये पार्शियल डेरिवेटिव भी अलोन है, सिंगल है, ये भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल। तो ये पांचवा भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो ये हमारा क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी तरह से हम इसको देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट सेटिस्फाई है, जेड शुड बी वन, हाँ वन सेटिस्फाई है। डिग्री शुड बी वन, डिग्री वन है, हाँ सेटिस्फाई है, सभी की डिग्री वन है, हाँ वन। नो प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड पी डी, ये भी है। नो प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, ये भी है। तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ जेड शुड बी वन, हाँ वो तो वन है, ये सेटिस्फाई है। डिग्री शुड बी वन, डिग्री देखते हैं क्या है, ऑर्डर हमारा वो क्या है यहाँ पे, वन है। लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इनवैलिड हो गया हमारा। तो ये क्या है, नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर है। इसी तरह से चौथा क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, जेड का पावर 1 है, डिग्री शुड बी 1 है, ठीक है, सभी डेरिवेटिव की डिग्री भी 1 है। नो प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड पी डी, ये भी सेटिस्फाई है। नो प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं इस पार्शियल डेरिवेटिव और इस पार्शियल डेरिवेटिव का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। ये पांचवा सवाल जो है ये हमारे गेट में आया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है इसका ऑर्डर क्या है और ये लीनियर है या
लीनियर या नॉन लीनियर क्या है ये। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं इस ऑर्डर क्या है इसका, du बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। इसकी डिग्री क्या होगी, अब हमें लीनियर एंड नॉन लीनियर चेक करना है, उसके लिए क्या करेंगे, 5 पॉइंट को चेक करेंगे। एक्सपोनेंट जेड शुड बी 1, हाँ है, डिग्री शुड बी 1, डिग्री भी 1 है, ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव हैज डिग्री 1, हाँ सबकी डिग्री 1 है, ये भी सेटिस्फाई, ये भी लेकिन ये नहीं सेटिस्फाई है, नो प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड पी डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जब सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। तो ये हमने देख लिया लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल क्या होते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं किस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और आगे के कुछ गेट के हिसाब से महत्वपूर्ण